गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मीनू टिप्स। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, यानी कि आपके हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हीं का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ कि आपका ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपके बाल हैं वो बिल्कुल पतले कमजोर हो गए, ठीक नहीं है, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके बाल हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सके। तो गाइस अभी फिलहाल मेरा बेबी 6 मंथ का है और जैसे वो 2 मंथ का हुआ था उसके बाद से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप फिलहाल देख सकते हैं मेरे बाल, आप ये देखोगे कि भाई आपने पहले वीडियो बनाया तब भी आपके बाल इतने थे और आज भी आपके बाल इतने ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है मेरे बालों की ग्रोथ। तो मैंने बेबी होने के बाद जैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था तो मैंने कट कर दिए थे, इसलिए मेरे बाल फिर से मतलब कि काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। तो गाइज हमें क्या करना है, आप जब भी बालों में अगर कुछ भी लगाते हो, कुछ भी ऑयलिंग करनी है, फेस पैक लगाना, आपको जैसे हेयर मास्क लगाना है, कोई भी हेयर पैक लगाना है, या फिर आप जैसे सिर धोने के लिए जा रहे हो तब भी आपको क्या करना है, सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बालों में कंघी करना। आपको बालों में कंघी जरूर करनी है, अगर आप कंघी करोगे बाल सुलझा के जाओगे तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको बालों में कंघी करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से इस जो अपना जो बालों की लेंथ है, लेंथ से आपको कंघी करते करते आपको सारे बालों में कंघी करनी है, इससे बाल टूटेंगे नहीं, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले हैं। और उसके बाद अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो, नहा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके बाल कम टूटेंगे। अगर टूट रहे हैं तो बालों की जो टूटने की जो एक है कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, बाल कम टूटेंगे, आपके बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सुलझे रहेंगे ना, तो आपके बाल कम टूटेंगे। सेकंड आता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप देख सकते हो मेरे बाल, आप मेरे बालों की जो थिकनेस है वो ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह कि बहुत ज्यादा है लेकिन ठीक ठाक है। और ये मतलब कि इतने जो मेरे बाल हैं, जो बालों की लेंथ है, जो इनकी थिकनेस है, जो शाइनिंग है, वो किस लिए है, कैसे है, क्यों है, वो ही मैं आप चीज आपको बताने वाले। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मैंने यूज़ किया है, जिसकी वजह से आज मेरे बाल भी आपके सामने आप देख रहे हो कि मतलब कि जैसे थे वैसे बने हुए हैं, कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी भी चल रहा है, अभी 6 मंथ का हुआ बेबी तो अभी भी चल रहा है हेयर फॉल। और उस हेयर फॉल को कम करने के लिए मैंने क्या किया है उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से यूज करना है। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं, और मेरे चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं वीडियो। सो गाइज हमें लेना है एक मोटा कंघा, और कंघा लेके आपको बालों को स्लोली स्लोली सुलझाना है अच्छे से आराम से। मेरी स्पीड यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड कर रखी है इसलिए आपको ज़्यादा फास्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको लेना है एक एलोवेरा की लीफ, आपके अगर पास में अगर प्लांट एलोवेरा का तो आप उसे एक लीफ कट करके उसके दोनों साइड से जो कांटे से होते हैं उनको कट कर दीजिएगा। और जो एलोवेरा के अंदर जैसे आप लीफ को कट करते हो तो उसमें एक येलो टाइप का लिक्विड निकलता, उसको निकल जाने के बाद आपको इसे यूज़ करना, चाहे आप फेस पे यूज़ करें चाहे आप सिर में यूज़ करें। तो मैंने इस लीफ को लेके बालों में अच्छे से इसका जो पल्प है उसको लगाया है, और फिर जो लीफ में जो पल्प बचा उसको मैंने चाकू की हेल्प से मतलब उस पर दोबारा से वो जेल इकट्ठा करके फिर से मैं सिर में मसाज करूँ। आपको मसाज करके 30 मिनट रखना है सिर में। अब मैं 30 मिनट रखने के बाद मैंने हेड को वॉश किया है, वॉश करने के बाद आप देख सकते हो बालों की जो साइन है, बालों की जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख पा रहे थे कि बालों में काफ़ी जैसे घुंघराले से टाइप हो रहे थे, और अब बाल धोने के बाद बालों की जो साइन है, बाल जो स्ट्रेट हैं वो आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है। सो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा।